दोस्तों, अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट है, आप अपने बैंक अकाउंट को किसी वजह से बंद करवाना चाहते हैं, क्लोज करवाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो चीज़ बैंक की तरफ से रिसीव हो रखी है वो सारी चीज़ें आपको बैंक में जमा करनी पड़ेगी, और आपको अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जाना पड़ेगा। जैसे कि आपका पासबुक है, आपने पासबुक ले रखा है तो पासबुक भी आपको लेके जाना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर आपने ATM कार्ड ले रखा है इसके साथ तो ये भी आपको देना पड़ेगा, आपने दूसरा ATM कार्ड ले रखा है वो भी देना पड़ेगा, और अगर आपने चेकबुक ले रखा है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, हमने अपने जो जिस अकाउंट को हम क्लोज़ करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने अपना उस अकाउंट का पासबुक भी ले लिया है, दो ATM कार्ड हमने इस बैंक अकाउंट के साथ चला रखे थे वो हमने दोनों ATM कार्ड यहाँ पर ले लिए हैं, वो साथ में हमने चेकबुक ले लिया है, और ये चेकबुक भी ले जाना पड़ेगा। तो ये तो हो गई, मतलब जो बैंक से हमने रिसीव किया है। अब बैंक की तरफ से ही आपको एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। वो फॉर्म भी आपको भरना होता है, और आधार कार्ड की और फोटो और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी करके आपको बैंक मैनेजर को दे देना है, और वो आपका ये अकाउंट क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका अकाउंट जो है वो माइनस में नहीं जा रखा हो, यानी आपका कोई भी हिडन चार्ज या मेंटेन चार्ज से आपका अकाउंट माइनस में ना होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट माइनस में रहेगा तो आपका अकाउंट को आप क्लोज नहीं करवा सकते। अगर आपका अकाउंट माइनस में नहीं रहेगा और आपने उसका माइनस कम्प्लीटली कर रखा होगा तो आप इसको इजीली बंद करवा सकते हैं। हमने अपने अकाउंट का जो हिडन चार्ज था, मेंटेन चार्ज था, वो कम्प्लीटली करवा दिया है। अब इसमें कोई भी माइनस नहीं है तो अब हम इसको क्लोज करवाने जा रहे हैं ब्रांच में अपनी। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इसका फॉर्म भरना होता है और कैसे इसको बंद करवाना होता है।